बाबा साहब हमको आगे बढ़ाए। बाबा साहब हैं धोती कपड़ा घर मकान उन्हीं की वजह से मिला। कोई पूजा पाठ नहीं करते? नहीं, मैं पूजा पाठ। स्वर्ग कैसे जाएंगी? बाबा साहब के संविधान से हम लोग जाएंगे सर। हम लोग किसी के नहीं मानते हैं। पूजा पाठ कुछ नहीं करना, बाबा साहब को विचार में रहना है। अंधविश्वास है, हमारे पूर्वजों को बलि चढ़ा करके लोगों ने हड़प लिया है। पढ़ेगा बहुजन और लड़ेगा बहुजन। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्यक प्रकाशन का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तमाम किताबें आपको कोई भी महापुरुष की जीवनी, अगर किसी भी प्रकार का कैलेंडर, मूर्तियाँ, तमाम तरीके की यहाँ पे साहित्य आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों की संख्या देखिए कि लोग जो हैं वो किस तरीके से बढ़ चढ़ कर किताबों के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं। सोचिए, किताबें ही एक ऐसा मार्ग है, किताबों का रास्ता ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल कर आप अपनी सामाजिक बेड़ियों को, सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयों को लड़ पाएंगे। और किस तरीके से लोग जो हैं वो जागरूक हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सम्यक प्रकाशन से कैसे किताबें मंगा पाएं, कैसे लोग जो हैं वो जागरूक हो पाएं। क्या कहेंगे सर, आज बाबा साहब की जयंती है? सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि बहुजन साहित्य कहाँ से खरीदे, तो आप अपना नंबर दीजिए, अपने सम्यक प्रकाशन के बारे में लोगों को बताइए। आप सम्यक प्रकाशन से बहुजन साहित्य ले सकते हैं। आप हमारा नंबर आप देख सकते हैं 9818390161 एंड 9810249452। लोगों के अंदर सामाजिक जो जागरूकता है वो पहले की अपेक्षा बढ़ी है कि कम हुई? किताबों की खरीदारी बता देती है कि लोग बड़ा कैसे जागरूक हो रहे हैं। आज के डिजिटल दौर में होने के बाद भी किताबों की रोमांच कम नहीं हुआ है लोगों की। और साहित्य के अलावा आपके पास क्या क्या मिलता है? इसके अलावा हमारे पास बहुत से हजारों फैंसी आइटम है, जो बहुजन प्रचार सामग्री है, जैसे आप ये देख रहे हैं सारा कुछ सम्यक प्रकाशन का जो एक यूनिट है सम्यक क्रिएशन, उसके माध्यम से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। यहाँ पर आप तमाम तस्वीरें आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपको किताबें देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से। और एक मैं महिला के तौर पर महिलाओं को रिकमेंड करूँगी कि हिंदू कोड बिल आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बाबा साहब नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है आज महिलाओं की जो स्थिति है वो नहीं होती। आज महिलाएँ जो हैं वो देश के सर्वोच्च पद से लेकर तमाम चंद्रयान तक किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी आपको देखने के लिए मिल सकती है कि चंद्रयान को लैंड कराने में भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, तमाम उन महापुरुषों की बदौलत आज हमें तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं कि महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, महिलाएं भी जो हैं अपने बच्चों को, परिवार के तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुई हैं। किस तरीके से पंचशील बुक सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा और स्क्रीन पे नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, आप सम्यक प्रकाशन से पश्चिमपुरी इनका प्रकाशन का सेंटर है, आप वहाँ से किताबें मंगवा सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से बताऊंगी कि एक बार ये तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से बहुजन समाज के महापुरुष जो हैं शहीद सम्राट मातादीन और आपको संत गांड के छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु घासीदास, बोधि सत्व गुरु रविदास, इसके साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, भगवान बुद्ध, इसके साथ साथ सावित्री बाई फूले, गुरु नारायण, ई स्वामी पेरियार, तमाम तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो लोगों के अंदर जो है सामाजिक जागरूकता काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सोचिए किस तरीके से आपको विज्ञान के रास्ते पर आना पड़ेगा, कैसे आपको किताबों के प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम आपको आगे की तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और कैसे लोगों के अंदर जागरूकता जो है वो बेहद ज़्यादा दिखाई दे रही है। उत्साह भी आप लोगों के अंदर देख सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे पंचशील की जो साड़ी है वो महिलाएं पहन कर आ रही हैं, ये बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग को दर्शाता है। कैसे इस साड़ी को पहनने का मकसद क्या था आपका, बताइए? ये साड़ी आप क्यों पहन कर रही हैं? पंचशील आपने बॉर्डर पे लगाया हुआ है। बाबा साहब हमको आगे बढ़ाए। बाबा साहब हैं धोती कपड़ा घर मकान उन्हीं की वजह से मिला है बाबा साहब के तरफ। आप कोई पूजा पाठ नहीं करते? नहीं, मैं पूजा पाठ। स्वर्ग कैसे जाएंगी? स्वर्ग कैसे जाएंगी?
बाबा साहब के संविधान से हम लोग जाएंगे सर, हम लोग किसी के नहीं मानते हैं, हम लोग खाली बाबा कोई पूजा पाठ व्रत वगैरह कुछ नहीं, बाबा साहब को खाली सिर्फ मानते हैं, बाबा साहब आज नहीं होते ना, बाबा साहब सब कुछ है। क्या कहेंगे उन महिलाओं को जो महिलाएं अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहती हैं, जो कहती हैं कि शादी कर दें, पूजा कीजिए, मंदिर जाइए? गलत कहती हैं बाबा, जो लड़की को पढ़ाना चाहिए बाबा साहब उसको मान सम्मान दिए। आप सब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं? हाँ। भाई साड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, इसको पहनने की कहाँ से खरीदी आपने? मार्केट से। हमने दिल्ली से खरीदा है। हाँ। और जो सम्यक प्रकाश है जो पश्चिमपुरी से है। हाँ। हमने स्पेशली ऑर्डर करके 14 अप्रैल के उपलब्ध मनाया है। हाँ। और आगे भी जिसको चाहिए। हाँ। वो हमारे से मिले, या पश्चिमपुरी में बता रहा हूँ सम्यक प्रकाश का जो स्टॉल लगा हुआ है उनसे संपर्क करिए। साड़ी का रेट 700 रुपये है, लेकिन ये 700 रुपये हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं हम। इनके जो हमारा वो सफ़ेद वस्त्र है, ये हमारा बुद्ध का और बाबा साहब का सफ़ेद का पहचान, प्रतीक का पहचान है। और ये जो सफ़ेद साड़ी महिलाएं पहन रखी हैं, इनका बुद्ध में और बुद्धों का पहचान है कि हम बुद्ध हैं, एक हमारा अलग पहचान। बुद्धिस्ट हैं? जी जी, हम बुद्धिस्ट हैं, अपने बच्चों को बुद्धिस्ट लिखते हैं। मेरा नाम हरिज्ञान बौद्ध, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से निवासी हूँ। लोगों के अंदर डर बिठाया जाता है, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप अंधविश्वास है जी, आपके साथ गलत हो जाए। हमारे पूर्वजों को बलि चढ़ा करके लोगों ने हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है, जो हमारे वंशज थे। पीपल को पेड़ के जो कहते हैं कि इस पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में पीपल का पेड़ जो है बहुत शुद्ध वातावरण है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने उसके नीचे बैठ करके अपने अनुयायियों को और शिष्यों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए, ज्ञान बताए। इसीलिए ये मनवादियों का एक जाल है, षड्यंत्र रचा हुआ है जी। तो आप सम्यक प्रकाशन से ये साड़ी क्या कहेंगी महिलाओं के लिए? आपको तमाम महिलाएं देख रही हैं, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? हमारी तरफ से हमारे ऐसे बाबा साहब के संविधान के लिए बताएंगे, महिलाओं को बताएंगे कि पूजा पाठ कुछ नहीं करना, बाबा साहब को विचार में रहना है। बाबा साहब को संविधान हम लोग बाबा साहब बनाए हैं, उन्हीं के अधिकार। महिलाओं को पढ़ना चाहिए सब, महिलाओं को पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए बच्चों को, उनको शिक्षा दिए हैं बाबा साहब। अरे घरों में रहना चाहिए, महिला घर की इज्जत होती है। बाबा साहब आज होते नहीं तो बड़ा दाखिला नहीं हो पाता, आज बाबा के तरफ से दाखिला हो गया। तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति महिलाओं के अंदर जागरूकता, क्या कहेंगी मैडम बताइए, आप बोलिए। तो देखिए लोग जो हैं वो बोलने से भी डरते हैं कई बार माइक पे, लेकिन आप ये साड़ी अगर मंगाना चाहते हैं तो सम्यक प्रकाशन से कांटेक्ट कीजिए। किताबें खरीदना चाहते हैं, कैलेंडर खरीदना चाहते हैं और इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।